गुड मॉर्निंग बेटा। कल अपन लेट जागे सी महंगाई दी समस्या, ठीक है। वो करन तो बार असी करांगे पत्तर सेहत विभाग नूं, ठीक। महंगाई दी समस्या दी पहला कोटेशन कीती सी, ये वधदी है सरकारां तों बेईमाना घपले कारां तों। एक होर कीती सी उस पर आपां भूमिका, जिहड़ा मर्जी लेख आ जाए भूमिका सेम ही रहनी है। नैक्सट आपां कीता फिर महंगाई वधण दे कारण, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ? ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੇਗਾ ਬੇਟਾ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ? ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਯੈਸ ਲਕਸ਼ੇ ਬੇਟਾ। मैम भ्रष्टाचारी, जमाखोरी। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ? मैम मैंने दो ही नोट किए थे, उसके बाद अच्छा, क्लास मैम ज्वाइन हुई थी। ध्यान ना सुनो बेटा, लेख दे सारे पॉइंट नोट करने हैं। ये लेख तोड़े 10th में भी काम आने हैं, 9th दे 10th दे भी सेम लेख है। पॉइंट सारे नोट करने हैं पुत्र, जिन्होंने नहीं नोट किते प्लीज आज दोबारा नोट कर लो। एनी अदर स्टूडेंट पॉइंट्स नोट? यस प्रणय बेटा। हां जी प्रणय, रने? वधदी आबादी, घाटे दी बजट, हाँ वेरी गुड, सरकारी खर्चे, दोषपूर्ण निर्यात आयात नीति। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड प्रणय। क्लास विच भी पूरा, ऑफलाइन क्लास विच भी पूरा नोट करता थे, ऑनलाइन। वेरी गुड प्रणय। ओके, एनी अदर स्टूडेंट सेम पॉइंट रिपीट करो बेटा। महंगाई वधन दे कारण। हाँ जी धैर्य बेटा। हाँ जी बेटा, मैम वधदी आबादी, दोषपूर्ण निर्यात आयात नीति, घाटे का बजट, जमाखोरी, सरकारी खर्चे ते रिश्वतखोरी। वेरी गुड। जिन्होंने नहीं नोट किए सी पॉइंट नोट कर लो दोबारा, के महंगाई वधन का कारण पहला आपां कीता सी वधदी आबादी, ठीक है। आबादी वध रही है जिदे करके डिमांड वधदी है, मंग वधदी है, पर पूर्ति की है घट हुंदी है, प्रोडक्शन घट हुंदी है। नेचुरली बेटा जदों जिस चीज़ की डिमांड वध होएगी, मंग वध होएगी, पर पूर्ति घट होएगी, उस चीज़ की मार्केट के विच बाजार विच कीमत की होएगी, वध होएगी, जिदा असर महंगाई ते पेगा। सैकेंड आपां कीता सी दोषपूर्ण निर्यात आयात नीति, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, भाव कि जिहड़ी चीज़ साडे देश विच पैदा हुई है असीं उहनूं बाहरले देश विच भेजदे हां, पर उसी चीज़ की जो कमी साडे अपने देश विच हो जाती है, ठीक है, उही चीज़ असीं जो बाहरों मंगवाने हाँ तो वह चीज़ सानूं की मिलती है, महंगी मिलती है, ठीक है, जिस करके वस्तुआं की कीमतां वध जांदियां हन, भाव कि दोषपूर्ण है। नैक्सट आपां कीता सी घाटे का बजट। दस्सिया सी ना घाटे का बजट की है, मीनिंग कि सरकार हर साल बजट हुंदा है कि आपां अपनी सपोज करो आपां साडी इनकम है 15,000, 15,000 इनकम है, आपां बजट बनाना है कि असीं इन्नी सेविंग करनी करनी ते इन्ना ही खर्चा करना है, ठीक है, ता ही अच्छी आपां अच्छे तरीके नाल अपनी लाइफ चल सकेगी। पर सरकार की एक घाटे का बजट पैदा कर पेश करती है हर साल, कहती है कि उन्होंने खर्चे ज्यादा हो गए है तो इनकम घट हुई है, ठीक है, तो सरकार की करती उस बजट को पूरा करने लिए घाटे नवी करंसी नवे नोट छपते हैं, तो दूसरा वस्तुओं के टैक्स लाए जाते हैं, होंगे इनडायरेक्ट टैक्स जो दिखाई नहीं दिता, निकी छोटी तो छोटी चीज़ तो लैके वीड्डी तो वीड्डी चीज़ पर टैक्स लगा होंगे, जिसे करके महंगाई बढ़ती है। नेक्स्ट है सरकारी खर्चे, ठीक है, सड़कां बनानियां, पुल बनाने, या किसी की मदद करनी, या टूर ते जाना, कोई भी जेडे कि सरकारी खर्चे का भार सरकार कितने पाती है, जनता दे पाती है, वस्तुओं ते पैंदा है टैक्स के रूप के, ठीक है, जिस करके वस्तुओं की कीमतें की है वधिया जा रही हैं। नेक्स्ट आप पॉइंट किया कारण का जमाखोरी। जमाखोर जो लोग है समान स्टोक करके रख लेंगे हैं, जो समान बेटा स्टोक करके रख लेंगे अपने गोदामा च भर के रख लेंगे, तो महंगा वस्तु जी बाजार में घट जाएगी, जिड़ी चीज़ बाजार में घट गई, ठीक है, उस चीज़ की क्या होगी कीमत, फिर जी कि वध कीमत पर भी लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक है। रिश्वतखोरी किया भ्रिष्टाचारी। नैक्सट हम आप करा, यह आप पॉइंट आप कर ले डिस्कस
थर्ड पॉइंट करना है महंगाई का असर। महंगाई का असर किन्हां लोगों पर पैंदा है? यस बेटा रेज योर हैंड। हाँ जी बेटा, ज्यादातर किन्हां लोगों पर असर पैंदा है? कौन एक्सप्लेन कर गया बेटा इस पॉइंट? यस रेज योर हैंड बेटा। यस लक्ष्य बेटा। हाँ जी बेटा लक्ष्य, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम गरीब लोग का थे, सिर्फ जो अपना जो अपना खान पान भी मुश्किल ना से लेंदे हैं, ते महंगाई दी समस्या करके उन्होंने अपनी रोज दियां जरूरतां नु भी मारना पैंदा है। हां वेरी गुड, वेरी गुड बेटा लक्ष्य। हां जी दसना। यस बेटा, यस बेटा। मम्मी क्या कह रहे हो मैम, एक बार आपकी आवाज। बेटा महंगाई दा जेड़ा असर है किन्ना लोकां ते ज्यादा पैंदा है? केड़े लोग ज्यादा इस तो प्रभावित होंगे महंगाई करके? महंगाई का असर ज्यादा गरीबा ते पैंदा है, क्योंकि क्योंकि चीजा दे जेड़ा चीजा दा रेट है बहुत ज्यादा वध जांदा है, ते जेड़े गरीब लोग हुंदे हन ओ लै नहीं पांदे, उना दे उना दी रोजी रोटी भी बंद हो जांदी है। चलो गुड, सुन लो बेटा एक बारी, महंगाई दा जेड़ा असर है ओ मध्यवर्गी लोकां दे मिडिल फैमिली दे, मध्यवर्गी लोकां दे ते गरीब लोकां दे पैंदा है। ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਦਿਨ ਭਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੁਣੋ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦਿਨ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਬੇਟਾ ਸਿਕਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੁਝਾਅ, ਭਾਵ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ? ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਯੈਸ ਲਕਸ਼ੇ ਬੇਟਾ, ਲਕਸ਼ ਬੇਟਾ। ਮੈਮ ਜਮਾ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਮਾਖੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਮਾਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਧਰਮ ਬੇਟਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲਕਸ਼ਣ। ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਨਾਜ ਫਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਐਨੀ ਅਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ? ਦਲਜੀਤ ਬੇਟਾ, ਦਲਜੀਤ, ਦਲਜੀਤ ਅਨਮਿਊਟ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਬਰ ਵਰਕਰਸ ਜੋ ਤੇ ਉਨਕੇ ਵੇਜਸ ਬੜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਸਮਾਲ ਸਮਾਲ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਮੇ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਨਕੀ ਵੇਜਸ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਵੇਜਸ ਬੜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਕਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਹੈ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਚਲੋ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਅਦਰ? ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੀ,
दिव्यांशी बेटा, दिव्यांशी अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। दिव्या सुझा दा कोई किस तरह अपन खत्म कर सकते हैं महंगाई नु घट किस तरह? हाँ जी मैम रिपीट बेटा, महंगाई नु अपन किस तरह घट कर सकते हैं, सुझा देना है। Yes. मैम पॉपुलेशन पर कंट्रोल करके। हाँ आबादी का, ठीक है आबादी दे कंट्रोल करो। चलो ठीक है वेरी गुड। ये होर आप लिख सकते हैं, ठीक है शाबाश। होर को पॉइंट या आबादी नु कंट्रोल कर दो या रोकना कर दो, ठीक है। होर कोई पॉइंट दसो बेटा। यस धैर्य बेटा। यस मैम रिश्वतखोर ते भ्रिष्ट लोकां नूं रोकना चाहीदा है ते उहनां ते जुर्माना लाउणा चाहीदा है। ठीक है भ्रिष्टाचारी नूं खतम करो। मैम हांजी मैम ये सारे पॉइंट्स एक पैराग्राफ में लिखने हैं? हाँ चाहे 1 2 3 4 पॉइंट सिंगल लाइन दे विच लिख लो, जिवें जमाखोर लोकां नूं फड़िया जावे। सैकंड पॉइंट नीत वरतों दी चीजां सस्ते कीमत ते दित्तियां जाण, आबादी ते आबादी ते रोकिया जावे, भ्रिष्टाचार रिश्वत खोर लोगों को फड़िया जाए। चाहे सिंपल 1 2 3 4 पॉइंट पा के लिखो, ओके चाहे पैरा बना, ठीक है ठीक है। उस तो बाद सरकार जिहड़ा कि अपने खर्चे घट करे, ठीक है जिन्नी लोड़ है उन्ना ही खर्चा किया जाए। हुण लास्ट है सारांश, ठीक है। इस प्रकार असीं कह सकते हाँ कि महंगाई की समस्या है वो दिन प्रतिदिन वधदी ही जा रही है। जे इस समस्या नूं असीं खत्म ना कीता तो यह जिहड़ी समस्या है एक भयानक रूप ले लेगी, क्योंकि इस नूं खत्म करन दे लई जिहड़ा सरकार नूं गौरमेंट नूं ठोस कदम उठाने चाहिए हैं। सरकार नूं की है ठोस कदम उठाने चाहिए हैं। रिश्वत लोर लोगों नूं फड़िया जावे, जिहड़े जमाखोर है समान नूं स्टॉक करके रख लैंदे गोदामां दे विच उहनां नूं फड़िया जावे, घट कीमत ते गरीब लोगों नूं चीज़ां दित्तियां जाण। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਟ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਵੀ ਪਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਜਗ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧੇਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨੀ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਓਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਾ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਏਗੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਲੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਫਾਰਮੈਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੇਮ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਯੈਸ ਕੋਈ ਸੁਣਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ वो मेरी कॉपी ना एग्जाम से पहले ही पता नहीं गुम हो गई थी या स्कूल में है तो मुझे पता नहीं तो अब मैं न्यू कॉपी बना लूं फिर इस टर्म के लिए हाँ जी बना लो और जो पिछली टर्म की है फिर वो भी रहने दो ना पहले अगली टर्म की बना ला ठीक है फिर देख लेंगे ठीक है फिर मैं ओके ओके मैम अच्छा बेटा मैं फॉर्मेट सुनाएगा कोई दसिया भी सी ना भी फॉर्मेट किस तरह बनाने दसिया सी ना बेटा स्टार्टिंग अपन राइट साइड पे की लिखना है यस राइट साइड पे हां जी ध्यान बेटा मैम परीक्षा भवन डैश 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 केंद्र डैश 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 शहर मिति हां वेरी गुड ठीक है राइट साइड पे अपन अपना पता लिखना होता है एग्जाम की दृष्टि तो असि अपना पता ना लिख के की लिखना है परीक्षा भवन दसया से ना कोई भी लेटर आ जाए तुम्हें फॉर्मेट बनाना आना चाहिए ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦਫਤਰੀ ਪੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਲਿਖਦੇ ਦਫਤਰੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਤੀ ਸੋਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ फिर मिति जनवरी पंजाबी च लिखना बेटा पूरा कोमा 2022 नेक्स्ट लाइन ते की लिखते हैं बेटा नेक्स्ट लाइन ते सेवा विखे हाँ सेवा विखे तो बाद लक्ष्य जैरत हाँ जी लक्ष्य मैम सेहत विभाग के उनको क्या बोलते हैं अधिकारी हाँ मैं दस दिन बेटा अधिकारी सुनो सेहत विभाग सेहत विभाग के अधिकारी नु कहंदे डायरेक्टर साहब ठीक है याद रखना सेहत विभाग के अधिकारी नु कहंदे डायरेक्टर साहब कोमा नहीं पाना ठीक है डंडे नु कन्ना ईड़ी नु सियारी राले नु गलां कक्का टैंकर ठीक है डायरेक्टर साहब जिवें अखबार के संपादक नु ठीक है डायरेक्टर साहब फिर आपां किहनू लिखना है सेहत हाँ फिर आपां लिखांगे कि सेहत विभाग श्रीमान जी नहीं बेटा उसके बारे की लिखी है भूल गया बेटा एक डैश डैश शहर हाँ शहर वेरी गुड डैश डैश शहर उसके बाद बेटा हाँ जी उसके बाद मिति श्रीमान जी हाँ नहीं पहला की लिखी है मैं पर मिति तो हमने लिख दी है ना वहाँ पे यस मैम दफ्तरी पत्र कोई भी आ रहे स्कूल प्रिंसिपल को आ रहे बैंक मैनेजर को आ रहे अखबार के संपादक को आ रहे अपना हमेशा लिखना है ठीक है उसके बाद श्रीमान जी उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा श्रीमान जी तो बात दसो हाँ जी श्रीमान जी को नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं
which was further, comma, there is now, comma, there is for the full amount. समझ आ गई बेटा फॉर्मेट सारे में का ठीक है ना फॉर्मेट हाँ जी नोट कर लिया बेटा सब में फॉर्मेट देखो क्या एग्जाम होगा देखो 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 नोट कर लिया बेटा सब में मैं कॉल लेटर करा के फिर तुम आओगे ठीक माता बुद्धि जी इस सब आप हमारे वन टू ट्वेंटी गूगल फॉर्म में चले सबने टेक्स्ट किया है ओके लिख लो फॉर्मेट ठीक है फिर अपन लेटर करांगे हुन सेहत विभाग नु लेटर केड़ी है सेहत विभाग नु जेड़ा की है इलाके दे विच किसी भी इलाके दे डेंगू बहुत ज्यादा फैल गया है ठीक है डेंगू दी समस्या या डेंगू बहुत ज्यादा फैल गया उस दे लई जांच कैंप लगाने लई सेहत विभाग नु पत्र लिखो इलाके दे विच डेंगू दी बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है उस दे लई जांच कैंप लगाने लई सेहत विभाग नु पत्र लिखो ठीक है डेंगू दी बीमारी पता की हुंदी बेटा एनीवन स्टूडेंट डेंगू हुंदा की है डेंगू किस तरह फैलदा है दसेगा बेटा मैनू डेंगू जिहड़ा की किस तरह फैलदा है हां जी बेटा हां जी मैम डेंगू मच्छरों के थ्रू फैलता है जो कि खड़े पानी विच फैलदे हन चलो गुड है दिव्यांशी बेटा हां जी दिव्यांशी यस दिव्यांशी मैम डेंगू मच्छरों नाल फैलता है ते बहुत ही ज्यादा खतरनाक मच्छर होंदे हैं जेड़े खड़े जिन्ना दी ग्रोथ को क्या कहेंगे पंजाबी में गुड यस देन बेटा हां जी मैम डेंगू दे डेंगू मच्छरों तो फैलता है ते जदों ऐ साडे शरीर विच है मच्छर डेंगू दे जर्म्स नु डाल देन ता साडे शरीर विच वीकनेस हो जांदी है इस तो अलावा सानू तेज बुखार हो जांदा है ते साडे 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 सेल कट जांदे हां वेरी गुड वंशिका लेस तो डेथ भी हो इस तो मौत भी हो गुड गुड वंशिका यस मैम डेंगू दा मच्छर सब तो ज्यादा खड़े पानी विच फैलदा है ते जेडे साडे घरा दे आले दुआले गटर खुले हुंदे सीवरेज खुले हुंदे हन ओदे नाल भी डेंगू दा मच्छर फैलदा है ते डेंगू दे मच्छर दे नाल साडे शरीर विच बहुत ज्यादा कमजोरी ते सानू बहुत तेज बुखार चढ़ बुखार हुंदा इस नाल साडे कटदे हन हां वेरी गुड ठीक है लेटर दा नेम लिख लो साडे इलाके दे विच डेंगू बीमारी फैल गई है सेहत विभाग नु सेहत विभाग नु जांच कैंप लगाने लई पत्र लिखो जांच कैंप लगाऊं लई पत्र लिखो ठीक है सेम फॉर्मेट है ठीक है तुसी लिख लोगे ना अपने आप वाला पत्र फॉर्मेट सेम ठीक है ये लेटर तुसी अपनी फियर नोटबुक ते लिखनी है खुद आज बेटा टेस्ट है थोड़ा माता गुजरी जी ते मुहावरे सस्सा भाग माता गुजरी जी चैप्टर दे बारे कोई दसेगा माता गुजरी जी दे विच माता गुजरी जी बच्चियां दे दुख नु की गा के प्रकट कर रहे सन एक बार रिवाइज कर लेने आ की गा के प्रकट कर रहे सन यस धर्म बेटा हां जी मैम घोड़ियां गा के हां बच्चियां दे दुख नु की गा के प्रकट कर रहे सन घोड़ियां गा के नेक्स्ट क्वेश्चन है माता गुजरी जी नाल कौन लड़ पई कौन लड़ पई होनी हाँ होनी बाकी बच्चे भी हैंड रेस करो बेटा कौन लड़ पई सी होनी
नेक्स्ट क्वेश्चन है माता गुजरी जी पाठ दे विच बच्चिया दी दादा जी का की नाम सी छोटे साहबजादिया दे दादा जी का नाम यस रेणुका गुरु तेग बहादुर जी यस जसलीन नेक्स्ट क्वेश्चन दादी का की नाम सी जसलीन माता गुजरी जी हाँ दादी का की नाम सी माता गुजरी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है माता गुजरी जी किस समय घोड़ियां गा रहे सन जां उन्हां दे दुख नूं घोड़ियां गा के प्रगट कर रहे सन समा केड़ा सी उस समय किस समय यस रेणुका रेणुका बेटा किस समय गा रहे सन अद्धी रात दे समय किस समय अद्धी रात दे समय नेक्स्ट क्वेश्चन प्रणय रेज योर हैंड प्रणय माता गुजरी जी कविता किस दी लिखी हुई है प्रणय नंदलाल नूरपुरी हाँ नंदलाल नूरपुरी दे वेरी गुड आरजू नेक्स्ट क्वेश्चन नंदलाल नूरपुरी जिहड़ियां ज्यादातर अपने जिहड़े लोक गीत है वह केड़ी किताब च लिखे है बुक का की नाम है केड़ी किताब च लिखे है यस प्रणय बेटा लैटर है अपनी फियर नोटबुक ते कर देनी है ते ऐसे ओके बेटा ओके बेटा बाय बाय बेटा एंड बेटा प्लीज क्लास जरूर लगाया करो ओके ओके बेटा बाय बाय बेटा